मेरे साथ जो खड़े हैं उनकी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पंकज बैरी साहब। लेकिन हम जनरली एक बात करते हैं, जब हम काम भी करते हैं कोई भी फील्ड हो, हमारी तो चलो एक्टिंग की है, होटल इंडस्ट्री हो या कोरियर वाले जो भी आते हैं, सब तो बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उनके माउथ से और शरीर से स्मेल आ रही थी क्योंकि नेचुरल है। हाँ, तो आप इसके बारे में आप क्या एडवाइस दे रहे थे? मेरी एडवाइस यही है कि ठीक है, होता है, आती है, कभी कभी किसी मेडिकल इशू भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मेरे ख्याल से इंसान को खुद ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ ना हो, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम ना आए सामने वाले को। हाँ, जैसे कि पूरा दिन मेहनत करता है, पसीने बहुत आ जाते हैं, तो ये नेचुरल है। तो यू शुड टेक केयर कि परफ्यूम मार लिया बॉडी में, अगर माउथ में कुछ खाया तो माउथ फ्रेशनर खा लिया। मैं तो वैसे ही माउथ फ्रेशनर देता रहता हूँ या छोटी इलायची देता रहता हूँ सामने वालों को, ऐसे प्यार से बांटता रहता हूँ। तो दो फायदे हैं। एक तो आप किसी के सामने जाओ तो आपसे परेशान नहीं होता। सो बिजनेस में भी फायदा है, रिलेशन में भी फायदा है। तो दिस इज अ वेरी गुड टिप जो इन्होंने आज मेरे से बात की, तो आई कुड रिलेटेड। ये चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके बिजनेस में और जॉब में भी आपके काम आएगा, सामने परेशानी होगा। सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और सामने वाला भी कंफर्टेबल रहेगा। एग्जैक्टली। सो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मनमीत सिंह एंड पंकज बेरी।